बिल्कुल 11:30 के करीब हमारी ये ट्रांसमिशन शुरू हुई थी टेलीथॉन। अब वहां पर दोपहर के 1:30 बज चुके हैं अमेरिका में, तो 2 घंटे के अंदर अब तक जो मुझे बताया जा रहा है खान साहब, 5.21 अरब रुपए इकट्ठे हो गए हैं। तो 5.21 अरब ये इस इधर जो है प्लेजेस जो है इसी 2 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि पिछली बारी 3 अरब से ज्यादा हमें इकट्ठा हुआ और 2 अरब की प्लेजेस थी, यानी वो भी आएंगे जब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। तो इस बारी सिर्फ जो पैसा इकट्ठा हुआ जो आएगा, यानी जो उन्होंने अभी प्लेज किया है, वो 5.2 अरब रुपया जी, 5.21 अरब रुपया। और अभी मुझे कॉल सेंटर से बता रहे हैं कि अभी भी बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो पूछ ही रहे हैं कि अब तो बात हमारी नहीं हो सकी कि ज़ाहिर टाइम खत्म हो गया, तो आइंदा भी आप टेलीथॉन लेकर आते रहेंगे क्योंकि लोग आपसे बात भी करना चाहते हैं और वो शुक्र भी कर रहे हैं कि आपने ये फंड अनाउंस किए हैं क्योंकि लोग वेट कर रहे थे। मैं इंशाल्लाह आगे भी कलेक्ट करूंगा और इससे थोड़ा और बेहतर ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि इस बार हमें प्रॉब्लम आ रहा था, जो कॉल सेंटर था वो अमेरिका था, उसमें टाइम लैग आ रहा था, तो उससे जरा डिले के साथ चल रहा था और कई आवाज भी नहीं आ रही थी सही। उसके लिए भी हम बेहतर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका के अंदर 501 जो टैक्स डिडक्टेबल स्टेटस है, जो यानी जो लोग उस पे 501 जब हमारा हो जाएगा वहां, और उसको हमने अप्लाई कर चुके हैं, वो उसका क्या नाम है, इंसाफ रिलीफ फाउंडेशन, ये सेटअप हो गई है इसका, इंशाल्लाह वो आप इसके वो स्टेटस मिल जाएगा चैरिटेबल स्टेशन जो 501 होता है, ताकि अमेरिका से और ज्यादा हमारे बड़े डोनेशंस आ जाएं। अभी मुझे चीकू ने इंग्लैंड का भी कहा है, इंग्लैंड के अंदर भी वो हम अप्लाई कर देंगे ताकि उनके लिए भी आसानी हो पैसा भेजने के लिए। सही, तो वेबसाइट जो है ये आप जरूर विजिट करें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन आप इस पर आसानी भेज सकते हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, फ्लड रिलीफ 2022.punjab.gov.pk आपकी स्क्रीन पर भी मुसलसल आ रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जब जब पाकिस्तान में मुश्किल की घड़ी आई, पाकिस्तानी जहां पे भी बढ़ चढ़ के उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, अपने पांवों पर खड़े करने का इमरान खान का ये जो मैसेज है कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी को, खुददारी को बहाल किया, अलामा इकबाल ने कहा, इस शेर के साथ हम इख्तिताम करेंगे कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा, बोल हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा, बोल की आवाम से खसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।